कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ एक सेटलमेंट में हैं वोट डिवाइड करने की। ये आप जो थे बीजेपी बोलते हैं, एक नया पैसा भी लिया होगा तो वो मेरे लिए हराम है, मेरे लिए हराम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सज्जाद अली नामदार है कौन, सज्जाद अली नामदार के कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, हमारी जनता जानना चाह रही है। जी जी जी, इस पब्लिक गुलबर्ग की मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है और मेरे काम को भी जानती है। चंदू पाटिल से पूछता हूँ, मैडम कनिष फातिमा से, नासिर हुसैन उस्ताद से, कल आओ मेरे साथ, अपने कामों की लिस्ट लेके आओ, मैं मेरे काम की लिस्ट लेके आता हूँ। मैं पावर में नहीं रहकर, कुछ भी पावर नहीं रहकर, पद भी गुमाना नहीं रहकर, जितना काम किया हूँ मेरे से 25% भी करे तो मैं विड्रा हो जाता हूँ। अलंग के दरगाह में, दरगाह के मसले में 260 लोग जो जेल गए, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गुलबर्गा शहर के MLA, अलंद के MLA, सॉरी एक्स MLA BR पाटिल। तीरथ, अलंद तालुके में तीरथ की दरगाह की कब्रस्तान थी। अच्छा। उस कब्रस्तान को 14 घंटे कंपाउंड नहीं डालने कब्जा कर लिए थे वहाँ के लोग देहाती कि ये कमी तहसीलदार अलंद और वो रेवन्यू इंस्पेक्टर वो इनको फेवर नहीं कर रहे थे। फिर मैं वहां जाके उनको दोनों को स्पॉट पे बुला के टाइट करके पूरा फेंसिंग करा के कंपाउंड कराया लाले मशाक की दरगाह का। इस साल किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिए दरगाह के इश्यू में, मैं इन्वॉल्व था। मैं 17 तारीख को दरगाह गया, 18 तारीख को पूजा थी। अब वो अंदोला स्वामी आने की वजह भी, कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह भी ये मैडम है और मैडम इन टीम। फिर जनजानी की दरगाह, कब्रस्तान, कांग्रेस के लोग कब्जा, लेआउट बनाए, ये ऑर्डर है RC का। अच्छा, क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करना? बाबरी मस्जिद का इशू कांग्रेस की वजह से हुआ, 100% का गिराने वाले, शहीद करने वाले बीजेपी को वाले होंगे, लेकिन सारा सारा प्लान सारा वो जो है ना कांग्रेस का था। मैं मैडम से क्या कम हूँ? मैडम से कई गुना ज्यादा काम किया हूँ मैं, इतने लोगों की जान जाने का मैं बचाया हूँ मैं। फेस टू फेस इज पावर्ड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेलो एवरीबॉडी, दिस ताहर अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। आज GoHash स्टूडियो में हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है फेस टू फेस, फेस टू फेस, जहां पर हम जो कैंडिडेट्स होते हैं असेंबली इलेक्शन के, उन लोगों से हम फेस टू फेस बात करते हैं, हमारे सवालात और जो जनता के जो सवाल जो दिमाग में घूम रहे हैं उन पर बात करते हैं। आज हमें स्पेशल टाइम दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नॉर्थ के कैंडिडेट्स हैं सज्जाद अली इनामदार, जो गुलबर्गा शहर में ऑलरेडी इससे पहले एक्स मेयर रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क उन्होंने किया है और इस बार वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या जो है आम आदमी पार्टी की जो मैनिफेस्टो क्या है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है सोसाइटी के लिए, इस पर हम सारी तफसीली बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को पावर्ड बाय किया है, जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच सज्जाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, कैंपेनिंग में आपने टाइम निकाला है, काफ़ी आपकी कैंपेनिंग जोर शोर से चल रही है, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गुलबर्गा शहर में काफ़ी महसूस हो रही है। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ सज्जाद भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। देखिए, हर कोई जो है सियासत में कास्टिज्म पे बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, NRC की बात कर रहा है, एलन इशू की बात कर रहा है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए आम आदमी पार्टी को थोड़ा साइड में रखना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सज्जाद अली नामदार है कौन, सज्जाद अली नामदार के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, हमारी जनता जानना चाह रही है। जी जी जी, इस सज्जाद साहब आपने ऐसा क्या दिखा, पब्लिक आपको वोट क्यों करे? पब्लिक गुलबर्ग की मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है और मेरे काम को भी जानती है। जी, जैसा कि मैं पहले फर्स्ट इशू लेता हूँ, ये जो हुमनाबाद रिंग रोड से खरगे पेट्रोल पंप की रिंग रोड है, जो सर्विस रोड का हाल ही में जो आपने इशू है, पहले रिंग रोड का लेंगे बाद में सर्विस रोड का। जी, रिंग रोड पे गुज़िश्ता 6 महीने से पहले, बिफोर 6 मंथ्स, हर हफ्ता, हर 15 दिन में, हर महीने में एक एक एक्सीडेंट होता था। वहाँ पर एक्सीडेंट में कई लोगों की जान गई, बेशक कई लोगों की जान गई, बिल्कुल। तो ये क्यों हुए एक्सीडेंट, इसके जिम्मेदार कौन है?
उसके उसकी जो है ना सारा जिम्मेदारी, उसका काम करना, क्या वजह क्या है, टेक्निकल खराबी क्या है, क्यों हो रही है, ये प्रेजेंट एमएलए और एमपी का काम था उसको देखना। कई सौ जाने गए, बेशक वो तो है, हमने कई सौ जाने गए बिल्कुल। हाँ, रोड पे जाके सिर्फ क्या है, जो भी मरा उसके घर में मातम चल रहे हैं। ये सियासतदान जाके हम रोड पे जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, कोई तो हल निकाले, बिल्कुल नहीं। चालू रहा एक्सीडेंट होना, चालू रहा मरना, चालू रहा जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, चालू रहा। फिर उसके बाद अपने अपने जगह खामोश। ठीक, जब 6 महीने पहले मेरे नॉलेज में आया ये बात, मैं वहां पर आया, स्पॉट पे देखा, एक एक्सीडेंट में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, मैं भी उस एहतजाज में शामिल हुआ। मैं जब तय कर लिया, मैं एहतजाज करने से क्या फायदा है पब्लिक को, बिल्कुल मैं कुछ करके बताना एक्सीडेंट क्यों हो रहे। तो दूसरे दिन मैं जो है ना पूरा मायना मेरे टीम के साथ रोड का मायना किया, सरफेस का मायना किया। अच्छा, तो सरफेस में क्या क्या फॉल्ट था, वो पनोले, जो तीन शर्ट के पनोले रहते ना, पलोने के जैसे ऐसे 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 ये सांप जाता नहीं, वो टाइम के टाइप के पनोले थे उसमें, रोड में वो ज्यादातर एक्सीडेंट किसके हुए, टू व्हीलर के एक्सीडेंट क्यों हुए, जब वो टू व्हीलर चलती थी बैलेंस तो उसका जो ये सांप के जैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहने की वजह से, ये मैं चाहता हूँ पैसेंजर राइडर चाहता है सीधा जाऊं। हाँ। वो गाड़ी क्या करती है, सीधा इसका माइंडसेट क्या रहता है, सीधा जाने का रहता है। गाड़ी को स्पेस क्या मिलता है, राइट या लेफ्ट टर्न मिलता है, तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल, तो मैं इसको फाइंड आउट करके, इसको ये टेक्निकल फॉल्ट को मैं फाइंड करके यानी मालूम करके नेशनल एनएचएआई से जाके बात करके डायरेक्टर को लाके, उनके ऑफिसर को लाके पूरा इंस्पेक्शन कराया। उसका कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी, उनको भी कराया इंस्पेक्शन। तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया, साहब हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये टेक्निकल पॉइंट जो आप बताए हमारे नॉलेज में आए, बोल के इमीडिएट जो है ना उस सरफेस को डामर डाल दिए, प्लेन कर दिए। उसके बाद 6 महीने से आप भी देख रहे हैं, आप भी कभी गए नहीं हो एक्सीडेंट हुआ बोल के, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी मौत नहीं हुई। यानी कि तो इतना अच्छा काम करने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं एमएलए नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं, जिस दौर हमने काम किया, मैं एक एक्स डिप्टी मेयर एक्स कॉर्पोरेटर, फिर भी मैं उस काम को पूरा अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद कई लोगों की आज एक जान बची, किसी की जान नहीं गई, ये मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं मेरे गुलबर्गा शहर के जो दानेश्वर हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो आज कह रहे हैं कि उनको एमएलए के सपोर्ट करना, कांग्रेस को सपोर्ट करना, अरे ये 50 जानों का 100 जानों के जिम्मेदार कौन है भाई, आप है क्या, आपको इसका एहसास नहीं है, सिर्फ सियासत का एहसास है, कांग्रेस पार्टी का एहसास है, जो कि सारे मुसलमानों को 40 साल में वो क्या बोलते हैं पूरा जमीन पे ला के रखे, कांग्रेस पार्टी पूरा जमीन पे ला के रखे। क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करना, बाबरी मस्जिद का इशू कांग्रेस की वजह से हुआ, 100% का गिराने वाला शहीद करने वाले बीजेपी को वाले होंगे, लेकिन सारा प्लान सारा वो जो है ना कांग्रेस का था। उसके बाद में दूसरा रिंग रोड की सर्विस रोड नहीं है, वो भी एक क्या इशू है, क्या है सर्विस रोड बनती क्यों नहीं है, माइंड सेट नहीं बनी है, नॉर्थ में नहीं, नहीं नहीं माइंड सेट एमएलए मैडम का माइंड सेट नहीं है। अगर वो चाहते हैं, अगर 2019 से जो है ना वो एस्टीमेट बना है, मैं बनाने लगा है बोल के नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलना है मेरे को, एस्टीमेट बन के एनएचएआरसी में जो है धूल खाद्य पड़ा हुआ था, फिर एक्सीडेंट होने के बाद मैं जाके उसको खुकर के निकाल लिया, फाइल को निकाल के जो है ना वो प्रपोजल को दिल्ली बेंगलुरु से बेंगलुरु भेजा, दिल्ली भेजने लगाया, दिल्ली में जाके वहां पर जो है ना प्रसुवेशन करके वहां पर फॉलो करके मंजूर करवाया, मंजूर करने के बाद टेंडर हुआ है, उसका टेंडर भी हुआ है और 47 करोड़ एंड समथिंग वो इलेक्ट्रिसिटी मिला के 55-53 लाख का है वो।
अच्छा, तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वरना काम चालू होता था, ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म करने के बाद नेक्स्ट मंथ जून या जुलाई में काम चालू होगा। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैं वोट मांगता हूँ। वोट खासकर आज मैं इसलिए मांग रहा हूँ, आज वो 100-150 लोग जो एक्सीडेंट में रिंग रोड पे मरे, उनके खानदान का जो परवरिश की जिम्मेदार कौन है? मैडम है या ये आज बोलने वाले हैं? ये जो रेकमेंड कर रहे ना, लोगों को बहका रहे ना, इनको वोट दो उनको वोट दो, हाँ मैं मैडम से क्या कम हूँ? मैडम से कई गुना ज्यादा काम किया हूँ मैं, इतने लोगों की जान जाने का मैं बचाया हूँ मैं। एग्री करता हूँ तो मैं दावेदार हूँ मैं। एग्री आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। रोड इशू पे आप बगैर पावर के रहते हुए आपने रोड के लिए बात की, सर्विस रोड के लिए बात की। मैं 2-3 साल पीछे जाना चाह रहा हूँ। एनआरसी सीए जो था, इतनी बड़ी एक मुसीबत जैसी थी हिंदुस्तान भर में, ऐसे में आप उस वक्त कहाँ पर थे, क्या प्रोजेक्शन था आपका? मैं कहाँ पर था वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी, मेरे दिल में क्या था वो इम्पोर्टेंट है जी। बताइए आपके दिल मैं में क्या करना चाहता था वो। तो वो जो सीए एनआरसी हिंदुस्तान के 30 करोड़ हर एक मुसलमान के हर बच्चे के दिल में, हर बच्चे के सीने में, हर बच्चे के दिमाग में एक जोश बैठा हुआ था उसका। तो हमारे देश का, उसके बाद हमारे शहर का बच्चा बच्चा उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, बच्चा बच्चा उसको मिला है इसमें। इसी मैं किसी भी एक पार्टी या एक इसको क्रेडिट नहीं देता। अच्छा, सारे आवाम को इसका क्रेडिट जाता है। और खास कर मैं ये सियासी बात करता हूं तो अलग बात है, मैं मुखालिफत हूं। मैं इलियास सेठ की तारीफ करूंगा। अच्छा, एनआरसी सीए का जो लड़ाई हुई उसमें बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें उनका माशी तौर पर यानी इकोनॉमिक फाइनेंशियली और जो है ना उनकी जो है ना मेहनत बहुत ज्यादा रही। उसके बाद असगर चुलबुल है, मैं सियासी तौर पर इन दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं काम करने वाले की तारीफ करना कभी नहीं भूलता। और ये मैडम कुछ नहीं करे और दूसरे सियासी पार्टियां सब क्रेडिट लेने आए, वो मैं करा तू करा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर बच्चा बच्चा अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना सब मिल लेके जो है ना लाखों की तादाद में पीर बंगाली मैदान में जमा हुए। वहां पर मैं भी था, आप भी थे, सब एक जनरल सिटीजन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन मैं उसमें समझता हूँ, मैं जितना भी करता हूँ, क्योंकि हम सब मिल के करें उसको। यानी कि आप पूरी तरीके से एक यूनिटी के तौर पर कहिए, किसी को क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। टोटल सलमान की जिम्मेदारी 450 लाख पीपल ऑफ द गुलबर्गा सिटी, सेकुलर पीपल, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे भी थे, हिंदू भाई भी थे, उन्होंने भी चाहते थे कि हम सब मिल के रहें, एनआरसी न हो, सीए न हो, ना मुसलमान तकलीफ में आए, ना हिंदू तकलीफ में आए। आप एक तरफ मैडम की जो है मुखालिफत कर रहे हैं, मैडम नहीं मुखालिफत नहीं कर रहा जी, उनकी फेलियर को बता रहा हूँ, फेलियर को बता रहा हूँ। मैं मुखालिफत क्यों करूँ? फेलियर को बता रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, फेलियर को बता रहे हैं, लेकिन आप उसी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, जिस पार्टी से आप अब फिलहाल नहीं रابطہ रख रहे, उसी पार्टी में थे, कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी की वजह से आप नॉमिनेशन नहीं, सियासी तौर पर उस ये में सियासी तौर पर मैं उस पार्टी में था, लेकिन सीए तो मैं जाती तौर पर उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखने की वजह से मैं सारी टीम के साथ मिलके मैं भी मेरा कंट्रीब्यूशन दिया, मैं भी मेरी मेहनत करा, कंट्रीब्यूशन बोले तो, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोला। और मैं किसी कोई दूसरा काम करे तो मैं मेरा क्रेडिट लियो बोल के नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल ये मुस्लिम चौक का जो कमिश्नर आके रमजान में सब हटा रहे थे, वो ये कर रहे थे, मैं पहले पहुंचने वाला शख्स मैं हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि मेरे को होम का काम करना है। क्या होता है, मैं प्रोटेस्ट करने जाता हूँ, जब स्ट्रांगली किसी के साथ ऑफिसर के साथ प्रोटेस्ट करता हूँ तो क्या वो उसका तीर जाके जो है ना कभी हमारे लोगों को लगा, यानी एक्शन स्ट्रिक्ट अगर वो व्यापारियों को हुआ तो नुकसान उनका होता है, मेरा नहीं होता। मैं पुकारता हूँ, चिल्लाता हूँ, चले जाता हूँ, ये मेरा माइंडसेट रहता है। पहले उनको कुछ ना हो, तो दूसरे दिन मैं कमिश्नर को जाके बात किया मुस्लिम चौक के बारे में,
सारे शहर के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, फुटपाथ वेंडर्स हैं, इनके बारे में बात किया तो उनको पूरा डिटेल समझा दिया। ये 25 साल से चल रहा है कमिश्नर साहब, आज से नहीं चल रहा है। अगर ये महीने में 17 तारीख तक इस हमारे लोगों को, ये रमजान है, इसमें कई गरीब हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है ना कमाई करते हैं, साल भर का एक महीने में राशन पानी कर लेते हैं लोग, तो इसमें आप मदद करो बोल के मैं रिक्वेस्ट करा। और उन्होंने क्या सवाल किया मेरे, क्या उनके दुकान है ना, दुकान में अंदर रख के कारोबार करना, तो मैं उनको डिटेल ये बताया कि दुकान में रख के ये कारोबार नहीं कर सकते साहब, रमजान का एट ए टाइम ह्यूज यानी भीड़ की भीड़ में लोग खरीद करने को आते हैं, 10-15 फीट का दुकान रहता है, उसमें कम से कम 10-15 आइटम रहते हैं, हरीस है, चिकन है, मटन है, फ्राई है, ड्राई है, समथिंग ऐसा बोल के परात रहते, कहाँ रखते सब, तो वो अग्री हो गए। और उन्होंने जब का जब बोल दिया, सबको वायरलेस पे बोल दिया, रमजान होने तक स्ट्रीट वेंडर्स को कहाँ भी फुटपाथ पे करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं देना, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा काम है, सारा मेरा काम है। उसके वजह से 17 मैं रोज फिरता रहा, मैं जिस दिन से वो मेरे को डेट याद नहीं, जिस दिन से मैं कमिश्नर को गया उसके दूसरे दिन से, उस दिन से कोई 17 तारीख तक रमजान खत्म होने तक चाचा मुस्लिम जो मुस्लिम चौक हो या बाजार हो या चप्पल मार्केट हो या तो किराना बाजार हो, पूरे शहर में जहां भी हमारे लोग कारोबार करते हैं फुटपाथ पे, किसी को भी कोई पुलिस वाला नजर उठा के नहीं देखे रात के 1 बजे तक 2 बजे तक। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस ऐसे कामों के लिए मैं वोट मांगता हूँ। ये ताकत मैडम में नहीं है, ये ताकत कांग्रेस के यहाँ लीडरों में नहीं है, ये मैं एक आवाम को बताना चाहता हूँ। मेरे और उन जो दानेश्वर लोग हैं, आज मुल्मा इकराम है जो फतवे दे रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कौम का देखिए, गरीब लोग परेशान है, आप किसी के सियासत की फिक्र मत करो, आपको अगर फिक्र करना है तो अवाम को जो लास्ट पर्सन है, गरीब है, उसके लिए काम करो, उसके लिए सोचो, उसके लिए ये लोग नहीं सोचते। एमएलए बनते हैं उसके बाद अपनी कमाई के लाइन में लग जाते, किसी को कोई याद नहीं आता। आज 5 साल तक मैडम क्या हाल हुआ, गुलबर्गा शहर में पानी नहीं, पानी के हाहाकार, बहने हमारे घड़े लेके इधर से इधर घूमते धूप में, रमजान में परेशान, अगर पानी मिलता है तो पेशाब पखाना हर चीज मिले, वह पानी आज गुलबर्गा में मिल रहे, ये कई की सियासत है, लानत है इस सियासत पे। मैं अगर ऐसा रहता तो उसको मैं कोई सियासत एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा अगर लोगों को ये चीज की तकलीफ होती है तो मैं सियासत में एक दिन भी नहीं रहता, अगर मेरे जिम्मेदारी से मैं क्या बोलता हूँ मुंह मोड़ लूँ तो। बिल्कुल, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी में आप थे, मैडम की नाराजगी की वजह से आपने नॉमिनेशन भरा है, आप एज ए कैंडिडेट करें, इस तरह के इल्जाम है? नहीं, वो ये खुदरती तौर पर मेरे को हुआ, मैं कांग्रेस में था, मैडम ने या कांग्रेस ने मुझको कॉरपोरेटर का टिकट नहीं दिए, तो मैं कौम की खिदमत रहना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि हमेशा कौम की खिदमत मेरे को, मेरी अपनी फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र है, तो उसके लिए मैं जो है ना आम आदमी पार्टी से टिकट लेके कॉरपोरेशन का ज्वाइन होकर आम आदमी पार्टी का टिकट लेके मैं कॉन्टेस्ट किया। तो जब आम आदमी पार्टी को मेरे रिस्पॉन्स, मेरे क्वालिटी और कैलिबर और सियासी तजुर्बा देखकर उन्होंने जब भी तय किया कि सितंबर 2022 में किया कि आपको इलेक्शन लड़ना है सज्जाद साहब, मेरे को बोले आपको लड़ना है, आपको हम गुलबर्गा शहर में देखे हैं, तो आपको हम कैंडिडेट बनाए थे, बोलकर 21 सितंबर में बनाए मेरे को 2021 की वजह से नहीं, 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 नहीं। सियासत में नाराजी नहीं चलती, कहे की नाराजी क्या, बिरादरी में मेरा कुछ तो डिविजन में गया, मेरे भाई से नाराज हूँ, क्या मेरा भाई किसका मुंह मारे बोल के नाराज हूँ, नहीं है मेरे को कौम की खिदमत करने के लिए, कौम की खिदमत है, खिदमत के लिए मैं निकला हूँ। सवाल आपके लिए मैं ला रहा हूँ, आप तो इलेक्शन में ठहर गए, एक और इल्जाम आप पर है स्टेट फॉरवर्ड के, कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ एक सेटलमेंट में हैं वोट डिवाइड करने के, ऐसा कुछ? अभी कौन से अल्फाज में मैं जवाब दूं, कौन से अल्फाज में, अगर कोई अल्फाज में इस्तेमाल करूं तो सियासी वसूल के खिलाफ होता है जी। मैं वो शख्स हूं, आज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं
वो मैं मेरे अपने सरमाए से और मेरे दम से लड़ रहा हूँ। अगर किसी ये आप जो थे बीजेपी बोलते हैं, एक नया पैसा भी लिया होगा तो वो मेरे लिए हराम है, मेरे लिए हराम है। कुछ लोग वो एक एक शख्स जो है ना उसको टिकट चाहिए था आम आदमी पार्टी का, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बोला कि 2 करोड़ में आम आदमी पार्टी का टिकट बेच दिए। कौन बेचना, जब 2 महीने पहले कौन बेचते? हाँ। जो कैंडिडेट फाइनल हुआ उन्हें खरीदेंगे, उन्हें बेचेंगे ना। हाँ। तो ये बेबुनियाद इल्जाम है। मैं ऐसे ऐसे को वो नहीं होता, मेरे को 20 साल से जानते हैं, कितने बार मैं मेयर को वोट दिया, लोग लाखों रुपए दे के वोट दिए, मैं कांग्रेस को सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट रह के भी। अच्छा। कभी एक पैसा लेना हराम है, कांग्रेस वालों को भी मालूम है, बोला दे उन्होंने कौन भी बोला दिया, मैं कभी भी काम ही भूलवा ठहर के बोलने को तैयार हूँ। ठीक है, आपने तो अपना क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी को भी बी टीम का टैग दिया गया है बीजेपी के। हाँ। आइडियोलॉजिकली तो उस पर क्या कहेंगे? आइडियोलॉजिकली बोले तो ये बिल्कुल आपकी जो बात बोलते हैं ये कांग्रेस ने पैदा की है ये बात। अच्छा, क्यों पैदा किए? दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत को खत्म कर दी, गुजरात में सॉरी पंजाब में पूरा कांग्रेस का सफाया कर दिया, गुजरात में सॉरी पंजाब में भी मुसलमान है, दिल्ली में तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है, वहां के मुसलमान तमाम मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी को जिताए, कांग्रेस का सफाई करे। तो कांग्रेस अब को रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, इनको कैसा बदलाम करना, तो वो बी टीम बोल रहे मेरे को। तो अभी उसके बाद ये बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है, हम ना कांग्रेस की बी टीम है ना जी क्या बीजेपी के बी टीम है, हम आवाम की ये टीम है, हम ये टीम है, आप है AAP, आप सही बात है, हम आवाम हमको ऊपर उठा रही है। आज गुलबर्गा शहर में भी जहां भी जाता हूं इतना रेस्पेक्ट है, इतनी मोहब्बत है आवाम में मेरे मेरे लिए। मैं इलेक्शन में ठहरा साहब सज्जा साहब, ये कोई एक शख्स भी नहीं बोला कि सज्जा साहब तुम कई गुटे इलेक्शन ठहरे, सज्जा साहब आप एक बहुत बड़े वर्कर हैं, हम आपका काम देखते हैं, आप जैसे आप काम करने में चारों कैंडिडेट में नंबर वन है, आप हम आपका साथ देंगे। ये हजारों लोगों ने मुझको वादा किया है, बिल्कुल हजारों लोगों ने यही अल्फाज में वादा किया है, तो मेरे हौसले बुलंद हैं आज, मेरे हौसले बुलंद हैं, और मेरे मैं इन दोनों तीनों चारों कैंडिडेट से चंदू पाटिल से पूछता हूँ, मैडम कनीस फातिमा से, नासिर हुसैन उस्ताद से, कल आओ मेरे साथ, अपने कामों की लिस्ट लेके आओ, मैं मेरे काम की लिस्ट लेके आता हूँ। हाँ, मैं पावर में नहीं रहकर कुछ भी पावर नहीं रहकर पद भी लुमाना नहीं रहकर जितना काम किया हूँ, मेरे से 25% भी करे तो मैं विड्रा हो जाता हूँ। अच्छा, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। ऑटो वालों के साथ भी आपका रिलेशन काफी स्ट्रांग है, उनके इश्यूज भी हमने 90% ऑटो वाले मेरे साथ है आज, क्योंकि हमने कवर किया था, उसको मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको सोसाइटी में समाज में इज्जत दिलाई है। पुलिस वाले आरटीओ जहां भी ऑटो वाला रहे, चल हट, ए चल हट, यानी इस तरीके से उनको पेश आते थे। मैंने उनके लिए 3-4 जगह ऑटो स्टैंड बनाया, हमनाबाद रिंग रोड, हागर का क्रॉस, हमारे क्या बोलते खरगे पंप, अलनचक पोस्ट भी बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वहां पर सर्विस रोड बनने थी, अब बन गई है, तो अब इंशाल्लाह वो बनाऊंगा, और सारे शहर में तमाम जगह ऑटो वालों को मैं जो है ना ऑटो स्टैंड बनाने लगाऊंगा। और हमारी सरकार आई तो ये जो फाइन डाल रहे हैं 2-व्हीलर 4-व्हीलर ऑटो वीटो हजारों रुपये फाइन, ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ना फाइन डालने का, हम उसको चेंज करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या हो रहा है, एक गाड़ी को एक ऑटो को फाइन डालते हैं तो वो फाइन ऑटो के कीमत से ज्यादा हो रहा है, सही बात, उन्हें ऑटो बेचकर वो फाइन देना पड़ रहा है। इस कानून को हम जो है ना
क्वाश करेंगे और पब्लिक जिस हिसाब से फाइन डालना है उनको जितने तौर पे डर में रखना है उतना ही रखना है, उनका सारा जो है ना जिंदगी खराब हो जिससे ये फाइन डाले तो कैसा मतलब नहीं होता। जब से मैं जब से ऑटो स्टैंड बनाई हूँ ऑटो वाला का साथ दे रहा हूँ, पुलिस वाले भी उनको छेड़ रहे नहीं, पुलिस आप हजारों ऑटो वाले को आप पूछो फाइन नहीं डाल रहे, बिल्कुल उनको रेस्पेक्ट से इज्जत की नजर से देख रहे, अन्ना तम्मा भाई ये बोल के आए उनको जो है ना मुखातिब हो रहे, ये लग रहे नडेले हो गले, ये मैं मेरे को बहुत गलत लगता है। इसलिए मैं ऑटो वालों को जो है ना ऑटो भाइयों को समाज में एक अच्छा जो है ना ऊंचा मुकाम दिलाना, उनको रेस्पेक्ट दिलाना, यही मेरा एक मकसद है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं फिलहाल फेस टू फेस चल रहा है, सैयद सज्जाद अली नामदार हमारे साथ हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो मैं फाइनली जो फेस टू फेस जो हमारे सवाल होते हैं डायरेक्ट उनसे करना चाह रहा हूँ। पांच ऐसे जो काम आपने किए हैं जो आप हमें गिना सकते हैं जिसके बिना पे आप वोट मांग रहे हैं, पांच ऐसे का, कोई काम। नंबर एक, रिसेंट गुज़िश्ता हफ्ते में गुलबर्ग के शहर के सुपर मार्केट में चाइना को किंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसको चाइना कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, वहां पर 6 महीने से जो है ना ये लाइट की आंख मुचली चल रही थी। अच्छा, हर घंटा जाना एक घंटा जाना आना लोग परेशान थे, वहां के 400 दुकान है, कितने 400 जो है ना शॉप्स है वहां पर, वो शॉप्स के तमाम मालिक परेशान थे 6 महीने से। उन्होंने मैडम को बुलाया, मैडम से कहा हमारी परेशानी को दूर करो, और दूसरे लीडर को भी बुलाए, उनसे भी कहा परेशानी को दूर करो, चंदू पाटिल से भी कहा यह हमारी परेशानी है, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, अचानक लाइट पूरा कंप्लीट खत्म चले गई, कट हो गई, पूरे 400 शॉप्स के लाइट जो है ना कट हो गई। 4 दिन तक वो लोग अंधेरे में रहे। अच्छा, कितने लोग दिन? 4 दिन तक वो लोग अंधेरे में रहे। उसके बाद मेरे पास वहां के ताजिर आए नहीं, मेरे को सिर्फ बुलाए फोन पे। मैं फोन करते ही क्या प्रॉब्लम है बोले तो पहुंच गया किंग कॉम्प्लेक्स पे, किंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। वहां ने उन्होंने अपनी तकलीफ बताया, मैं बताया ना वो डिटेल बताया मेरे को, मैं इंस्पेक्शन किया खुद देखा कहां क्या फॉल्ट है वो। तो जब मैं वहां से चीफ इंजीनियर को बात किया, तमाम ऑफिसर्स को इमीडिएट आधे घंटे के अंदर उनको मैं वार्निंग दिया, ये 4 दिन लाइट नहीं है तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाद मेरे को मजबूर मत करो, इमीडिएट आप आना, आके जो यहाँ क्या है मसला चेक करना और इसको हल करना। तो मैं फोन करने के आधे घंटे में कंसर्न्ड ऑल ऑफिसर स्पॉट पे आ गए, मेरे साथ मुआयना किए, मेरे साथ डिस्कशन किए। मैंने कहा जो उन्होंने कुछ दुकानदारों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, आप करो वो करो ये करो, मैं बोला जब अंडरटेकिंग तुम जब लेते हैं उसका चार्ज तो तुम्हारी जिम्मेदारी है करने की, तो लंबा चौड़ा बोलता नहीं क्योंकि शॉर्ट टाइम है। तो मैं इमीडिएट उसको क्या, उन्होंने आए मेरे साथ पास, मैं बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, ये 400 लोगों की लाइट यहाँ चालू होने तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या केबल अंडरग्राउंड केबल को चेक किया, रिपेयर किया, पैनल पूरे चेंज किए, टीसी चेंज किए 1-2 घंटे में, टीसी चेंज करने के बाद 3 घंटे में 400 दुकान को रोशनी हो गई, करंट आ गया। वेरी नाइस, आज वो चल रहा है क्या बिना रुकावट के। ये 6 महीने से जो तकलीफ थी वो भी दूर हुई, 4 दिन का अंधेरे में उजाले में, अंधेरा उजाले में बदल गया, रोशनी में बदल गया, ये मेरा काम है। इसलिए मैं आवाम से हाथ जोड़कर ये करता गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, जो मैडम नहीं MLA मैडम पावर में रहते हुए नहीं कर सके मैं करा, और एक पर्सन होते हुए भी नहीं करे, पावर नहीं है बेचारे उनके पास, दूसरे चंदू पाटिल KDL क्या वो कौन से KRDL के चेयरमैन, वाह वो नहीं कर सके, ये शख्स मामूली जो आप समझते हैं, मैं बिल्कुल मामूली हूं,
लेकिन ये मेरा कलम, ये मेरा पावर है ना, ये पेन है ना, पेन पावर, ये तमाम से मेरा पेन पावर ज्यादा है। मैं जो भी काम करता हूँ ये पेन पावर पे करता हूँ, दादागिरी गुंडागिरी पे नहीं करता। मेरे पास वो टीम ही नहीं है गुंडों की, सादा सीधा बिल्कुल। ये एक पेन साथ है हमेशा, बिल्कुल ये पेन से हथियार यही है, ये छे मेरा एजुकेशन, ये क्या बोलते है, ये टीपू सुल्तान का रॉकेट है, बिल्कुल। किसका? टीपू सुल्तान फर्स्ट अनाउंस करे थे रॉकेट, रॉकेट लॉन्च करने वाले कौन? टीपू सुल्तान, हजरत उनका टीपू सुल्तान का रॉकेट बोले तो ये मेरा पेन है, बिल्कुल। जैसा उन्हें अंग्रेजों को भगाए थे वैसा मैं इनको भगाना है, बिल्कुल। जो नाम काम नहीं करते उनको, बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। तो ये तो पहला काम होगा, क्विकली आप शॉर्ट में मुझे बताइए चार और ऐसे काम क्या? चार ऐसे और काम बोले तो अलंद की दरगाह का मसला है जी। अलंद के दरगाह के मसले में 260 लोग जो जेल गए, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गुलबर्गा शहर के MLA, अलंद के MLA, सॉरी एक्स MLA BR पाटिल, इनको वहां के लोगों की दरगाह की पूजा की फिक्र नहीं, इनको अपनी सियासत बचाने की फिक्र। मैडम को भी, BR पाटिल को भी, मैं करीब से देखा हूं। मैं भी पहले मीटिंग में था, वो जो आलंद के लोग यहाँ पर आते आए गुलबर्गे को, वो आलंद के कमेटी के लोग यहाँ क्यों आए बेचारे? हमारे यहाँ सही सजेशन मिलेगा, यहाँ MLA हमारे मुस्लिम है, पावर मिलता है, सपोर्ट मिलता है, बल्कि वो लोग आए। वो लोगों को इन्होंने मिसगाइड किया, इन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया। मैं उस मीटिंग में मैं भी था, और मैं आम आदमी पार्टी में रहने के बावजूद वो दरगाह के मसले के लिए मैडम के घर में गया, मैडम के घर में गया। वहां पर बहुत सारे लोग थे, आलंद के भी थे, कमेटी वाले भी थे, मैडम भी थे, और हमारे जनाब एडवोकेट वाज बाबा साहब भी थे। मैंने कहा वो लिख के देंगे, ऐसा बोल रहे DC, वैसा बोल रहे, लिख के दो बोल रहे। मैं बोले लिख के देना, बहुत बड़ा हमारी गलती है, वो हमको लिख के नहीं देंगे। आपके MLA BR पाटिल साहब, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आलंद में जो आपको वोट देके जीता के लाए सारे मुसलमान, वो उतने परेशान है, बर्निंग इश्यू है, आप UP में मजा करते रहे, क्या जरूरत थी UP में बैठने की? यहाँ मैडम UP में उन्होंने है, उनकी फिक्र इन्हों करते है, हमारे BR पाटिल है, उनको बचाना है। वो जान ले अंदर वहां के लोग, और वो बेचारे जो कमिटी वाले हैं, कमेटी वाले परेशान है, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने यहाँ मदद पूछने आए तो उनको जो है ना फंसा दिया इसमें, वो लिख के देने की वजह से। तो वो वहां पर फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, 260 लोगों को पकड़ के पुलिस वाले लेके गए आलंद गुलबर्गा शहर से। ये होंदे वो होंदे वो होंदे, कोई लीडर आलंद नहीं गया डर के, कोई लीडर। फर्स्ट पहुंचने वाला ये सज्जाद अली है, आपका भाई। वहां पर पुलिस स्टेशन में एडिशनल SP थे, फला फला फला, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे। मैं गया, क्या है? नहीं, कोई नहीं, कोई क्यों नहीं आना, क्यों नहीं आना? मैंने वहां का, और तमाम जो लोग थे, लेडीज थे, जितने भी अरेस्ट हुए थे, उनसे सबसे मिला मैं। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे, कोई किसी के रुमाल नहीं है, किसी के कपड़े नहीं, किसी की टोपी नहीं, किसी की दवा नहीं। तो मैं उनके मकानों को जाके घूम घूम के, उनके घर से दवा लेके वहां पर उनकी, क्योंकि शुगर पेशेंट, दूसरे पेशेंट, दवा पहुंचाया। फर्स्ट अलंद पहुंचकर उनकी मदद में जाने वाला मैं हूँ। और ये सब जो है ना बाद में आके क्रेडिट सिर्फ क्या Facebook WhatsApp मीडिया वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं। ये काम के लिए अगर आप मेरे को रिजेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला के पास भी आपको जवाब देना पड़ेगा, वो आप पूछोगी। और तीसरा बेलकोटा, वहां पर मस्जिद है रोड पे, कमलापुर पे रिहेबिलेशन में जो गांव शिफ्ट हुआ बेलकोटा, वो जो मस्जिद और बाजू में मंदिर के बारे में झगड़ा था, बहुत बड़ा झगड़ा था वो पे, वहां पे जगह की जो है ना इधर उधर हुआ था, मस्जिद की कुछ जगह जो है ना इधर एंक्रोच हुई थी। तो मैं वहां पर जाकर इतनी बड़ी मीटिंग करा, दो कम्युनिटी की, हमारी और दलित समाज की, मैं वहां बोला, उनसे रिक्वेस्ट करा, इनसे रिक्वेस्ट करा। तो बहुत बड़ा इशू था वो,
सारे समाज को, दलित समाज को भी समझाया, मेरे समाज को, हम दोनों भाई भाई हैं। हम अगर लड़ेंगे तो नुकसान हम दोनों का होता है, समाज का होता है, हमको लड़ना नहीं। जिसकी जिसकी जितनी जगह अलॉटमेंट है उतने में हम रहेंगे। तो उस इशू को मैं इतनी बारीकी से इशू सॉल्व किया कि वो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज दोनों दोनों मस्जिद और मंदिर वाले, बुद्ध मंदिर वाले बहुत पीस में, खुशी में है। उनके जगह वो है, इनके किसी ने झगड़ा लगाया था उसमें, रहते बीच में रिजॉल्व किया से। आपने से रिजॉल्व किया? मैं उसको रिजॉल्व किया। ये है तीरथ, अलन तालुके में तीरथ की दरगाह कब्रस्तान थी। अच्छा। उस कब्रस्तान को 14 घंटे कंपाउंड नहीं डालने, कब्जा कर लिए थे वहाँ के लोग देहाती, कि ये कमी तहसीलदार अलंद और वो रेवन्यू इंस्पेक्टर वो इनको फेवर नहीं कर रहे थे। फिर मैं वहाँ जाके उनको दोनों को स्पॉट पे बुला के टाइट करके पूरा फेंसिंग करा के कंपाउंड कराया। आपने कराया? ये मेरे काम है, मैंने कराया जी। यतीम खाने के बारे में भी आपका कोई कंट्रीब्यूशन था? मैं यतीम खाने के बारे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरा जी। 2011-12 में रजनीश गोयल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आरसी थे और यतीम खाने के एडमिनिस्ट्रेटर थे। यतीम खाने के जितने भी प्रॉपर्टी दुकान थे वो 30-40 साल से एक एक खानदान के कब्जे में थे। अच्छा। एक एक के चार चार दुकान, पांच पांच दुकान। वो लोग क्या करते थे, यतीम खाने को एक दुकान का 250 से 300 किराया भरते थे। अच्छा। किराया 250-300 भरते थे वक्फ बोर्ड को? उन्होंने वक्फ बोर्ड को नहीं, यतीम खाने को। यतीम खाने को यतीम खाने में के ऑफिस से वहां भरते थे। वो वक्फ बोर्ड का इदारा है, यतीम खाने में भरते थे वो। इन्हों क्या करते थे, 3000-2000 जो है ना वो जो किराया देते थे इन्हों, टेनेंट सब टेनेंट 3000 लेते, यतीम खाने को 250-300 भरते। अच्छा। यतीमों का पैसा भी खा रहे थे। ऐसे लोगों को मैंने रजनीश गोयल साहब के साथ मिलकर हटा दिया। जहां पे जो कारोबार कर रहे वही उसका टेनेंट बना के, उस दिन से मैं हर स्क्वायर फीट 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट के किराया फिक्स कराया करवाया और उसमें कंडीशन डाले, 2 साल को 5% या 10% वो याद नहीं है मेरे को, उसको किराया बढ़ाना बोल के एक सबके साथ अग्रीमेंट हुआ है। ये 2011-12 की बात है, डेट याद नहीं है। रजनीश गोयल जब एडमिनिस्ट्रेटर थे उस पीरियड की बात है जी। और दूसरी एक बात मेरी, वहाँ और एक काम करना था रजनीश गोयल साहब के मिलके, कि वो वहां पर एक जो पुराने बहुत पुराने मकान थे वो मकानात को निकाल कर उनको मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाकर फ्लैट सिस्टम में बना के देने का हमारा इरादा था। लेकिन वो नहीं हो सका। ऐसा क्या? वो हमारी बदकिस्मती या उनकी, वो हुआ नहीं, अभी तक भी वैसी छे। अच्छा। तो किराया अगर कोई फिक्स कराया है तो इनामदार है। फिर आप क्या बोलेंगे, मैं समाज से पूछता हूँ, ये समाज के मेरे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सॉरी लीडर से पूछता हूँ, हमारे गुलबर्गा शहर के बाजार वालों से, बड़े बड़े व्यापारियों से पूछता हूँ, आप किसका फेवर करेंगे, इन कामों का फेवर करेंगे या सिर्फ आपको धोखा देने वालों का ये सपोर्ट करेंगे? मैं आज हकदार हूं मेरे काम के हिसाब से, मेरे खिदमत के हिसाब से। और बहुत सारे वो पटवेगर खबरस्तान है वहां पर, मैं पूछता हूं या सारे सारे कांग्रेस के लीडरों से, क्या नहीं देखे थे आप वहां पे सुबह में सारे औरतें जाके वहां बाजू बाजू के सुबह में संडास को जाते थे? वो मेरे नॉलेज में आई बात, मैं डिप्टी मेयर था, मैंने फौरन जबकि तौर पर 2.5 लाख रुपए बहुत हुए, 2.5 लाख रुपए में फंड देके उसको कंपाउंड बनाया, आज आज अंदर कोई नहीं जाते। ये ऐसे मेरे काम है, ये मेरे को कौम का दर्द है, मेरा दर्द नहीं। मेरे को कमाना, सियासत से मेरे को प्रॉपर्टी बनाना ये नहीं है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती, सियासत में कमाता, आज मैं 50 गाड़ी रख के ये इतने लाखों करोड़ों खर्चा करके मैं भी बहुत बड़ा क्या बोलते थे ये अपना कैनवेसिंग करता, बड़े बड़े रैलियां करता, कहां से लाऊं? मेरा सरमाया खिदमत है, जो आज मैं कंट्रीब्यूशन दिया हूं कौम को, वो मेरा बहुत बड़ा सरमाया है। मैं कौम से आज रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को मौका दो खिदमत, मेरे को कमाना नहीं है और ज्यादा खिदमत करना है। मेरे पास पावर नहीं है,
अब मैं और दरगाह का फिर जिक्र करता हूँ, लाले मशाक की दरगाह का। इस साल किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिए दरगाह के इश्यू में, मैं इन्वॉल्व था। मैं 17 तारीख को दरगाह गया, 18 तारीख को पूजा थी। अब वो अंदोला स्वामी आने की वजह भी, कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह भी, ये मैडम है और मैडम एंड टीम, उन्होंने जो लिख के दिया ना अंदोला स्वामी को नहीं आने देना, नाम लिख के कोर्ट में केस डालने लगे। क्या जरूरत थी उसका नाम लिखने की, मालूम है आपको? कानून जानते आप? आप क्यों पार्टी बनाए उसको? उसको पार्टी बनाने की वजह से आज इस साल मौका मिला उसका नाम, कोर्ट ने उसको ऑर्डर वो कराया। तो ये मैडम की गलती से अंदोला स्वामी आलंद आया, नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी अंदोला स्वामी को आलंद जाने नहीं दे रहा था। जेल में डलवाने वालों को, पूजा करवाने वालों को, अंदोला स्वामी को परमिशन दिलाने वाले को आप उड़ दोगे? बोलो, दिल रो रहा है मेरा, मेरे लिए नहीं, कौम के लिए। पीर जंजानी की दरगाह, कब्रस्तान, कांग्रेस के लोग कब्जा, लेआउट बनाए, ये ऑर्डर है आरसी का। अच्छा भाई, पीर संजानी दरगाह के कब्रस्तान और दरगाह की जो है ना 22 एकड़ 9 गुंटे जमीन है उसमें, गजट में नहीं, पानी में, पानी में। अच्छा वो जमीन किसी को भी गवर्नमेंट ने अलॉट नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, वो कुछ लोगों ने तहसीलदार को पकड़ के पानी में नाम डाल के बोगस रजिस्ट्रेशन करके वो करे, टुकड़े 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 करे थे। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट निकाला निजाम दौर से पकड़कर, 6 महीने मैं उसमें जो है ना वर्क किया हूँ। अच्छा, उर्दू में थे वो निकाला हूँ, फिर निकाल के आरसी साहब से मिलके, डीसी साहब से मिलके, मैं डीसी साहब से मिलके सारी तफसील बताया, तो वो डीसी उज्जवल घोष, आरसी आदित्य अम्लान विश्वास, ये देख के क्या बोले, सुनिए मेरे भाइयों, गौर से सुनिए मेरे वर्ड को, वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। किसने बोला? उज्जवल घोष ने बोला। किसने बोला? आदित्य अम्लान विश्वास आरसी ने बोला। और उन्होंने मुझसे वादा किया, हमारे तमाम लोग मीटिंग में थे, उनसे वादा किया मैं इसका पूरा जो है ना, मैं इस पे एक इंक्वायरी करके उसको करूंगा। तो ये मेरे हाथ में इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया है माड़ेवाड़ी सर्वे नंबर 4 22 एकड़ 9 गुंटे में किसी को एक गुंटा भी अलाट नहीं हुआ, सरकारी तौर पर अलाट नहीं हुआ, सारी जमीन जो है ना वो कब्रस्तान की है, सरकारी जमीन है। ये ऑर्डर है, ये सज्जाद अली का है कारनामा। और मेरे साथ बहुत सारे लोग साथ दिए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्तों का जो मेरे साथ थे उस दिन मीटिंग में थे, एहतजाज में थे, बड़े बड़े हमारे जो है ना सज्जाद खान भी थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे काम कर रहा हूं मैं। तो फिर कैसा एमएलए होना आपको, कौन सा एमएलए होना, डुबाने वाला या तिराने वाला? चैलेंज करता हूं आप में जो डर और खौफ है, आगे क्या होगा अगर सज्जाद अली रहेगा तो किसी की मजाल नहीं कुछ करे, मैं तैयार हूं हर एक से लड़ने के लिए। बिल्कुल, 2010 में मैं डिप्टी मेयर जब था उस वक्त ईदगाह बहमनी के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेरी ये ख्वाहिश थी, हमारे जैनुद्दीन साहब, मरहूम जैनुद्दीन हाजी जैनुद्दीन साहब के साथ मिलकर वो ईदगे के डेवलपमेंट करना, वो ईदगे को जो है ना ग्रेनाइट लगा के एक अच्छी खूबसूरत इमारत बनाना, ये मेरे मकसद से मैंने जबकि 50 लाख मंजूर करा के लाया। अच्छा, जो हाल ही में जो काम हुआ? नहीं, जब ही छुआ काम। अच्छा, काम अच्छा। उसको बोलता हूँ मैं किसी का मुलाजा नहीं करता, किसी का करने का सवाल ही नहीं आता। वो मेरा मकसद क्या था, उसको ग्रेनाइट लगा के अच्छी सी इमारत बनाए। बाद में क्या हुआ, खमर साहब और कुछ लोग उसमें, हमारे अजीज अब्दुल अजीज साहब द ग्रेट वक्फ बोर्ड से टेंडर कराते,
वक्फ बोर्ड में कभी टेंडर सुने क्या? नहीं सुना। वक्फ बोर्ड में टेंडर, बिल लिखने वाला अजीत साहब, परसेंटेज ईदगाह में भी मारे और वो पूरा ईदगाह की दीवार आप जो दिख रहे चुना वो पूरी नहीं है, सिर्फ 10 फीट हाइट। कमान अवाम के पैसों से बनी, मीनार अवाम के पैसों से बना, जो बीच में का ढांचा दीवार है ना, इधर 100 फीट है, इधर 100 फीट है, वो जो दीवार है वो दीवार 10 फीट जो है ना रबर भरे शाहबाद के लाके, उसको प्लास्टर करे, चुन्ना मारे, ईदगाह में भी गबन करे, ऐसे लोग हैं। ये लोगों को चाहते हैं आप या अच्छा काम करने वाले को चाहते हैं? या आपके ये फैसला आपके हाथ में है मेरे भाइयों, फैसले का दिन 10 तारीख है, आपके सामने मैं बैठा हूँ, सोचो मत, मैं जब तक हूँ आपकी खिदमत करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। बहुत सारा ये इंटरव्यू काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ा रहा, जहाँ पर हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स की बात की। सज्जाद अली नामदार किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, इस तरह से हम अलग अलग लीडर से भी बात करते रहेंगे, उनके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेंगे। तो देख समझ के वोट करिएगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा। 10 बजे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग रखी हुई है। सज्जाद अली नामदार सर आम आदमी पार्टी से खड़े हैं गुलबर्गा नॉर्थ के लिए। वी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन जो है इस इलेक्शन को जीते और कौम की खिदमत करते। देखते रहिए gohash.in। फेस टू फेस इज पावर्ड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।